हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर पवन शिवनकर वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन पी आर पुटे पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट अमरावती। आई एम वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई वेलकम यू इन सिक्स लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या और उसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल वो सॉल्व कैसे होते वो हम चेक करने वाले। सो बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल, let us see the statement or the principle of superposition. It state that when a body is subjected to a number of direct forces at different section, so resulting strain will be the algebraic sum of strain caused by individual. For example, कि अगर हम ये body discuss करते हैं कि suppose body A B या फिर A D लिया मैंने suppose, और इस पर बहुत सारे अलग अलग forces act हो रहे A की body पे, बट कंडीशन है कि ले वो जो जिनका लाइन ऑफ एक्शन वो अलोंग दी लेंथ ऑफ बॉडी होना चाहिए। सो सपोज यहाँ पे हमने ए की बॉडी को सेक्शन में डिवाइड किया, सपोज ए बी सी डी। सो इस बॉडी में जो कुछ भी स्ट्रेन रहेगा वो स्ट्रेन क्या रहेगा, ए बी सेक्शन में आने वाला स्ट्रेन प्लस बी सी सेक्शन में आने वाला स्ट्रेन प्लस सी डी सेक्शन में आने वाला स्ट्रेन। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई रिपीट, इट स्टेट दैट रिजल्टिंग स्ट्रेन इन द बॉडी इज इक्वल टू strain in algebraic sum of strain in different section when body is subjected to different direct forces. Okay, so now when body is subjected to number of elastic forces, so what we will do according to this principle, sabse pehle is body ko hum alag alag section mein divide karenge, unki free body diagram draw karenge, बस सेक्शन को सेपरेट करना है और इन फोर्सेस को उस पर एक्ट करना है। जस्ट लाइक अगर फोर्सेस ऐसे एक्ट हो रहे हैं या फिर ऐसे एक्ट हो रहे विद विद देयर डिफरेंट वैल्यूज, और हर एक फोर्स इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इस हिसाब से फिर यहाँ पे हम इलोंगेशन निकालेंगे डीएल, और इलोंगेशन कैलकुलेट करने के बाद में टोटल इलोंगेशन डीएल इक्वल टू सपोज 1 2 3 है, तो डीएल इज इक्वल टू डीएल 1 प्लस डीएल 2 प्लस डीएल 3, that will be the total elongation, or you can calculate total strain, total elongation, whatever. So this is the principle of superposition. इसको बहुत अच्छे से समझेंगे एक direct numerical के साथ में, okay? मैंने numerical PDF sheet आपके साथ में already share कर ली है, उसको check करो। और principle of superposition का पहला numerical हम discuss करते हैं। Brass bar having cross section area of 1000 mm square is subjected to axial force as shown in figure. Find the total elongation if E is equal to, that means Young's modulus equal to 1.05 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Diagram already di hui hai, wahi diagram mein draw kar raha hu. A, B, C, D. This is a single body. At face A, 50 kilonewton force is acting. At face B, 80 kilonewton force is acting. C पे act हो रहा है 20 kilonewton in left hand direction, और D पे act हो रहा है 10 किलो न्यूटन। हर एक सेक्शन की इंडिविजुअल लेंथ गिवन है 600 mm, 1 मीटर फॉर बी सी एंड 1.2 मीटर फॉर सी डी, और डाटा दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया डायरेक्ट दिया है, एज दिस शाफ्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है थ्रू आउट, सो एरिया इज 1000 mm स्क्वायर। और इसके साथ में दिया है यंग्स मॉडुलस वैल्यू फॉर द मटेरियल, दैट इज 1.05 इंटू 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू डायरेक्टली दी है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस न्यूमेरिकल के लिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने अभी तक की प्रॉब्लम सॉल्व की है कि सिंगल बॉडी है उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हमने स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेन निकाला, इलोंगेशन निकाला, ठीक है। अगर बॉडी
वेरिंग डायमीटर वाली है और एक सिंगल फोर्स एक्ट हो रहा है। इसके लिए हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया कि बस एरिया चेंज हो रहा है लेकिन फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। सो हर बार लोड की वैल्यू एक ही आ रही है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में या फिर इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि एक ही बॉडी पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। अब अलग अलग फोर्स लग रहे हैं तो जब भी हम इलांगेशन निकालेंगे तो फेस ए पे दिख रहा है 50 किलो न्यूटन, लास्ट फेस पे दिख रहा है 10 किलो न्यूटन। तो फोर्स एक्चुअली कंसिडर कौन सा करना है जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जब इसका एनालिसिस करेंगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हर एक सेक्शन को सेपरेटली ड्रॉ करेंगे, जिसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको इक्विलिब्रियम फोर्स में लिखेंगे और उसके बाद में इंडिविजुअल इलांगेशन निकालेंगे। सो कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले आप ऐसे प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लो। पहला ब्लॉक है आपका ए बी, सेकेंड ब्लॉक है उसकी ही नीचे ड्रॉ कर लो बी सी और लास्ट ब्लॉक है सी डी। ये हो गया आपका सी डी, एक के नीचे एक। लेंथ सेम है, लेंथ का कोई इशू नहीं है, 600 mm, 1 मीटर दैट मीन्स 1000 mm और 1.2 मीटर 1200 mm। अब किसी भी एक फेस से आपको स्टार्ट करना है फोर्सेस को लिखने के लिए। जैसे आप स्टार्ट करो न्यूमेरिकल को यहां से सॉल्व करो या फिर यहां से सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है, आपका लास्ट वाला आंसर सेम ही आएगा। अब इस एंड से हम स्टार्ट करते हैं। फेस ए पे कितना फोर्स दिख रहा है, 50 किलो न्यूटन या फिर 15 × 10³ न्यूटन। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इक्वल एंड अपोजिट हम फोर्स लगाएंगे 50 किलो न्यूटन। इक्वल एंड अपोजिट रहेगा तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। 50 लगा दिया हमने लेकिन है कितना, 80, और उसी डायरेक्शन में इधर ही एक्चुअली 80 है लेकिन मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 50 लगाया, तो और कितना लगाना पड़ेगा, 30 लगाना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में। तो उसी डायरेक्शन में बचा हुआ मैंने 30 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया। वॉट इट, 30 किलो न्यूटन का फोर्स मैंने राइट हैंड डायरेक्शन में लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट इधर जा रहा है तो ये इधर आएगा 30 किलो न्यूटन, हो गया इक्विलिब्रियम। अब चेक करो सी फेस पे, सी फेस पे एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 20 किलो न्यूटन का ही फोर्स लगाया हमने। सी पे उसी डायरेक्शन में हमने कितना लगाया, 30 लगाया, तो हमने 10 का ज्यादा लगा दिया। देखो 20 का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना था, हमने एक्चुअली 30 का लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, इसलिए 10 का इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। सो मैंने इस डायरेक्शन में सी फेस पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब इस फेस पे लगा दिया 10 किलो न्यूटन का फोर्स, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे लगाना पड़ेगा 10 किलो न्यूटन। लास्ट वैल्यू मैच हो रही है, मतलब ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, एनालिसिस हो चुका है कि अब हर बॉडी हर सेक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसके फोर्सेस हमें पता है। सो इंडिविजुअल आप अब इलोंगेशन निकाल सकते हो बाय फॉर्मूला इलोंगेशन डीएल इज इक्वल टू पी एल बाय ए ई, लोड लेंथ एरिया यंग्स मॉडुलस। गॉट इट, क्लियर हो चुका है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार देख लो। सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन के नीचे, ए बी सी एंड डी। अब ए फेस पे लगा है 50 किलो न्यूटन का फोर्स, एज इट इज लिख दिया हमने, आप प्रॉब्लम को यहां से स्टार्ट करो या फिर यहां से स्टार्ट करो, नो इशू। 50 किलो न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, इक्विलिब्रियम के लिए 50 किलो न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमने लगा दिया, इक्वल एंड अपोजिट लगा दिया। देखो बी पे तो एक्चुअली 80 किलो न्यूटन का है, हमने बी पे लगाया सिर्फ और सिर्फ 50 का, मतलब 80 किलो न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए था, हमने सिर्फ और सिर्फ 50 का लगाया, कितना बचा, 30 का बचा उसी डायरेक्शन में, इसलिए फिर यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया। 30 किलो न्यूटन का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट भी लगाएंगे आप। अब यहाँ पे देखो 20 का ही लगाना था, आपने 30 का लगा दिया, ज्यादा कितना लगाया, 10 का, 20 का इस डायरेक्शन में लगाना था उसी डायरेक्शन में आपने 30 का लगाया, 10 का कॉम्पेंसेशन कर दो, 10 किलो न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट ये हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। तो ये हो गया आपका एनालिसिस। अब यहाँ पे इलांगेशन आप इजीली निकाल सकते हो, सो इलांगेशन इन ए बी सेक्शन
PL बाय AE फॉर ये लोड है आपका 50 किलो न्यूटन, सो 50 इंटू 10 रेस टू 3। लेंथ है आपकी कितनी है लेंथ 600 mm डिवाइड बाय एरिया थ्रू आउट सेम है सभी के लिए 1000 और यंग्स मॉडुलस वैल्यू है 1.05 इंटू 10 रेस टू 5। सो इलॉन्गेशन आना चाहिए आपका कैलकुलेशन वाइज। ये आना चाहिए 0.285 mm, got it? Elongation in BC, formula वही है PL by AE, load यहाँ पे लेकिन कितना है 30 into 10 raise to 3, length है आपकी 1 meter मतलब 1000, area 1000 mm square and Young's modulus 1.05 into 10 raise to 5, तो यहाँ पे elongation आना चाहिए 0.285 उतना ही। यहाँ पे एक्चुअली 4 डेसिमल तक के वैल्यू निकालो सेम वैल्यू आ रही है। लास्टली डीएल इन सी डी फॉर्मूला फिर से सेम है पीएल बाय एई, यहाँ पे लोड है लेकिन 10 किलो न्यूटन, सो 10 इंटू 10 रेस टू 3। लेंथ है यहाँ पे आपकी 1.2 मीटर मतलब 1200 mm, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है 1000 और यंग्स मॉडुलस वैल्यू भी सेम है 1.05 इंटू 10 रेस टू 5, तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 0.1142 mm। नाउ बिफोर वी कैलकुलेट टोटल इलॉन्गेशन, मैंने क्या बोला था टोटल इलॉन्गेशन विल बी द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल, लेकिन यहाँ पे देखो पहला जो सेक्शन है ए बी सेक्शन इस पे टेंसाइल फोर्सेस लगे हैं, ये स्ट्रेच होगा मतलब जो कुछ भी आपको इलॉन्गेशन मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सेक्शन बी सी, बीच वाला सेक्शन बी सी पे क्या हो रहा है कॉम्प्रेसिव फोर्सेस लगे हैं मतलब यहाँ पे डिक्रीज होगा मतलब यहाँ पे जो भी इलॉन्गेशन रहेगा वो निगेटिव रहेगा। लास्टली इन सेक्शन सी डी यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से कॉम्प्रेसिव फोर्सेस लगे इसलिए फिर यहाँ पे भी डिक्रीज इन लेंथ रहेगा इसलिए ये भी माइनस रहेगा, मतलब टोटल इलॉन्गेशन डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस फिगर माइनस दिस फिगर माइनस दिस फिगर, ये दोनों के दोनों निगेटिव और ये पॉजिटिव, सो 0.2857 माइनस 2857 माइनस 1142, सो फाइनली आंसर रहेगा आपका ये तो वैसे कट जा रहा है, सो 0.1142। अब माइनस आ रहा है आंसर, एक्चुअली माइनस है, माइनस मतलब क्या है कि जो फाइनल इलॉन्गेशन है वो इलॉन्गेशन नहीं है, आपका आंसर आएगा माइनस 1142, मतलब क्या है डीएल इज इक्वल टू 0.1142 mm डिक्रीज और कॉम्प्रेस मतलब फाइनली ये बॉडी थोड़ी सी कॉम्प्रेस हो रही है इलॉन्गेट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल चेक करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ मेंबर एबीसीडी सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड P1, P2, P3 एंड P4, डायग्राम गिवन है, यहां पे है P4, यहां पे है P1, यहां पे है कहीं P2 और यहां पे P3। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, देखो ये प्रॉब्लम एक्चुअली वेरिंग क्रॉस सेक्शन का है, यहाँ पे डायमीटर कम यहाँ पे डायमीटर ज्यादा फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, तो ए बी सी टी तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 625 mm स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है 2500 mm स्क्वायर और लास्टली 1250 mm स्क्वायर। लेंथ भी गिवन होगी, लेंथ है 120 सेंटीमीटर
60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन दिया है, कैलकुलेट P2, ये निकालना है। कैलकुलेट P2 नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम इफ P1 इक्वल टू, P1 दिया है 45 किलो न्यूटन, P3 450, P3 दिया है, मैं यहां पे लिख रहा हूं P1 इज 45 किलो न्यूटन, P3 इज 450 किलो न्यूटन, P4 130 किलो न्यूटन। डिटरमाइन द टोटल इलांगेशन ऑफ द मेंबर अज्यूमिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू बी 2.1 × 10⁵। सो मटेरियल थ्रू आउट दी सेम है, पूरा का पूरा मटेरियल सेम है, और यंग्स मॉडुलस वैल्यू 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो अभी टोटल इलांगेशन भी निकालना है और ये जो अननोन P2 फोर्स है ये भी निकालना है। तो सबसे पहले हम कंडीशन क्या है कि टोटल बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सबसे पहले उस कंडीशन के लिए अननोन फोर्स निकालो। अननोन फोर्स निकालने के बाद में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अलग अलग फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करो और उसके बाद में टोटल इलांगेशन निकालो। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कंडीशन क्या है कि इस साइड के फोर्सेस और इस साइड के फोर्सेस ये इक्वल रहेंगे। जैसे मार्कर इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इधर और इधर इस दोनों साइड में मैं सेम फोर्स अप्लाई करूंगा, इसलिए फिर यहां पे इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में आने वाले फोर्सेस है P1 और P3। सो P4 इक्विलिब्रियम P1 प्लस P3 इस साइड में जाने वाले फोर्सेस इक्वल टू उस साइड वाले फोर्सेस P2 प्लस P4। P2 भी उधर जा रहा है, P4 भी इधर जा रहा है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ P2 ही अननोन है, तो P1 प्लस P3, P1 है 45 प्लस P3 है आपका 450 इक्वल टू P2 नहीं पता निकालना है और P4 है 130। सो P2 इक्वल टू 45 प्लस 450 माइनस 130 कितना आया, ये आना चाहिए P2 शुड बी 365 किलो न्यूटन। P2 इज 365 किलो न्यूटन। तो यहां पे एक वैल्यू हमें मिल गई है 365 किलो न्यूटन। बस अभी सभी फोर्सेस आपको पता है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया पता है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ पता है। हम अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फॉर टोटल इलांगेशन। सबसे पहले स्टेप क्या रहेगी, फ्री बॉडी डायग्राम, उसके नीचे एग्जैक्टली ब्लॉक ड्रॉ करो। पहला ए बी, सेकेंड बी सी, लास्ट वन सी डी, ये हो गया। फिर से प्रॉब्लम को यहां से सॉल्व करो या यहां से सॉल्व करो, डिपेंड्स ऑन योर विश। सपोज हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं, गिवन फोर्स लगा है यहां पे 45 किलो न्यूटन एंड फॉर इक्विलिब्रियम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स शुड बी एक्टिंग ऑन बी फेस, दैट इज 45 किलो न्यूटन। तो 45 किलो न्यूटन यहां पे लगाया, इसलिए फिर यहां पे भी 45 किलो न्यूटन लगाना पड़ेगा। एक्चुअली कितना है ये, कितना है P2, कितना है 365 है। अगर 365 है तो मतलब यहां पे देखो आपने 45 तो लगा दिया, लेकिन एक्चुअली कितना लगाना चाहिए था आपने, 365 लगाना चाहिए था, तो आपने तो सिर्फ और सिर्फ 45 लगाया, तो बचा हुआ कितना लगाना पड़ेगा और 320 लगाना पड़ेगा, तब जाके 365 हो जाएगा। इसलिए फिर इसी डायरेक्शन में फिर से आपको 320 किलो न्यूटन इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हो गया, बी फेस पे ही 45 भी लगा दिया, 320 लगा दिया, टोटल कितना हो गया 365 लग गया 365। अब यहाँ पे 320 लगाया है तो इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा 320 किलो न्यूटन। बट इफ यू आर चेकिंग ऑन अ सी फेस, सी फेस पे तो सिर्फ पी थ्री, मतलब पी थ्री कितना 450 लगा है, 450 लगा हुआ है, हमने तो सिर्फ 320 ही लगाया है, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, देखो 450 450 इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, हमने कितना लगाया
इसी डायरेक्शन में 320 लगाया है, इतना लगाना था, इतना हमने लगाया, कितना बचा, यहाँ पे बचा 130। देखो 00, 325 और 4, मतलब 450। तो इतना लगाना चाहिए था, आपने सिर्फ और सिर्फ इतना लगाया, इसलिए फिर कॉम्पनसेट किया आपने 130 से, और सेम डायरेक्शन में, सो 130। चेक कर लो अभी, 320 सी पे लगाया और 320 लगाया यहाँ पे और सी पे लगाया एक 130, तो टोटल हो गया आपका 450। अब यहाँ पे 130 लगाया आपने, इक्वल एंड अपोजिट आपको 130 लगाना पड़ेगा। लास्ट वाली वैल्यू P4 कितनी है, 130। प्रॉब्लम हो गया, मतलब कैलकुलेट करने के बाद में, ये सॉल्व होने के बाद में लास्ट वैल्यू मैच होनी चाहिए, या फिर यहाँ से आपने अगर 130 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू 45 आनी चाहिए, तो आपका प्रॉब्लम करेक्ट है। ओके, ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। सबसे पहले यही पे हम चेक कर लेंगे कि किस सेक्शन में इलॉन्गेशन आएगा पॉजिटिव और किस सेक्शन में निगेटिव हो जाएगा, मतलब वो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो सेक्शन ए बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल, खींच रहे हम दोनों तरफ से, तो यहाँ पे जो कुछ भी इलॉन्गेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सेक्शन बी सी कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है, निगेटिव आएगा। सेक्शन सी डी टेंसाइल है, पॉजिटिव आएगा। जब भी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे तो फिर ये जो कन्फ्यूजन रहेगा आपको, या फिर जो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि कौन सा ऐड करना है, कौन सा माइनस करना है, समझ में नहीं आता, ऑलरेडी इसी ब्लॉक में लिख दिया करोगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। सो नाउ इलोंगेशन इन ए बी, इलोंगेशन इन बी सी एंड इलोंगेशन इन सी डी सेपरेटली निकालो। फॉर्मूला वही है, पी एल बाय ए ई। सो पी एल बाय ए ई, लोड कितना है ए बी के लिए, 45 into 10 raise to 3। लेंथ कितनी है, लेंथ है 120 सेंटीमीटर, मतलब 1200। कन्वर्शन पता है हमें, 1 मीटर मतलब कितना एमएम हो जाएगा, 1000 एमएम हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर मतलब कितना एमएम हो जाएगा, 10 एमएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200, 010 बढ़ा दिया हमने। एरिया दिया हुआ है वो 625 एमएम स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस कितना है, यंग्स मॉडुलस है 2.1 into 10 raise to 5। चलो ये कितना आया, ये आना चाहिए 1st केस के लिए इलॉन्गेशन है 0.4114 mm, और पॉजिटिव है इलॉन्गेशन इन बीसी, लोड है यहाँ पे कितना है 320 है। सो 320 इंटू किलो है, 320 किलो न्यूटन, इसलिए 10 raise to 3। पी हो गया एल, एल क्या है, एल है हमारा 60 सेंटीमीटर 600 mm। एरिया 2500 एंड यंग्स मॉडुलस वैल्यू सेम है 2.1 into 10 raise to 5। तो ये कैलकुलेशन आना चाहिए आपका, इलॉन्गेशन इन बी सी इज 0.3657 mm। अब यहाँ पे कॉम्प्रेशन है इसलिए फिर ये वैल्यू माइनस। लास्टली इलॉन्गेशन इन सी डी, फॉर्मूला फिर से पी एल बाय ए ई, पी है लेकिन यहाँ पे 130, 130, सो 130 किलो न्यूटन 10 raise to 3। लेंथ 90 सेंटीमीटर है, सो 900 डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ई, ए कितना है दिया हुआ है 1250 mm square, 1250 एंड ई की वैल्यू है 2.1 into 10 raise to 5। तो यहाँ पे इलॉन्गेशन आना चाहिए आपका 0.4457 mm, इलॉन्गेशन है ना इसलिए फिर mm रहेगा। तो और ये प्लस रहेगा माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। तो देखो आपके पास में तीन वैल्यू है, एक, दूसरी और ये तीसरी। फाइनल आंसर डीएल इज इक्वल टू डीएल वन माइनस डीएल टू प्लस डीएल थ्री, ये प्लस, ये माइनस और फिर से ये प्लस, तो ये और दोनों सेम ही है, ये माइनस हो जाएगा सिर्फ इसमें। सो आंसर आना चाहिए 0.4914 mm।
दैट शुड बी टोटल इलोंगेशन. गॉट इट? क्लियर हो गया? सेम एक न्यूमेरिकल मैं होमवर्क में दे रहा हूँ और उसको हम गूगल मीट लिंक में डिस्कस करेंगे उसका आंसर, या फिर एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे. This is for homework. Section A, B, C, D at a force of 100 kilonewton is acting in left hand direction with length 500 mm. At B, force of 80 kilonewton. At C, force of 50 kilonewton. At B and at C, forces acting on right hand direction. Length of section BC is 1000 mm. At D, force of 30 kilonewton is acting in left hand direction and length is 1200 mm. लगभग सेम न्यूमेरिकल है जैसे हमने पहला वाला सॉल्व किया था. ठीक है, आपको सॉल्व करना है इसको और वैल्यू दी है यहाँ पे इसके लिए. क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर कंप्लीट बॉडी इज गिवन एज 500 mm स्क्वायर. यंग्स मॉडुलस वैल्यू गिवन है 80 GPa गीगा पास्कल. इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर में. देख लो एक बार 80, मैं अलग एग्जांपल बता रहा हूँ, 50 गीगा पास्कल. सो अगर इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सो 50 इंटू गीगा स्टैंड्स फॉर 10^9, मेगा स्टैंड्स फॉर 10^6, पास्कल मतलब हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में. सो 50 एज इट इज 10^9 न्यूटन. मीटर का कन्वर्शन एमएम में कितना हो जाएगा 10^3. मीटर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, ये हो गया आपका एमएम स्क्वायर. अब ये क्वांटिटी हो गई 10^6, 3 × 2 = 6. सो यहाँ पे इसके साथ में कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 50 × 10^3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. क्लियर है? इसी हिसाब से इसको कन्वर्ट करो और आंसर निकालो. थैंक यू.